बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के ठीक है खैरियत से मेरे दोस्तों मेरे मुशाहिदीन इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है एक अफसोसनाक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है आप लोग देख सकते हैं ओमान न्यूज़ एजेंसी के अंदर ये स्टेटमेंट शाया हुई। इस स्टेटमेंट के मुताबिक PACDA यानी कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ डिफेंस MONUS की तरफ से ये बताया गया कि मस्कत अलखेर के एक पुल के ऊपर आग लगी है। आप लोग देख सकते हैं ओमान न्यूज़ एजेंसी के अंदर PACDA यानी कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ डिफेंस MONUS की तरफ से ये तस्दीक की गई है कि अभी कुछ देर पहले मस्कत अलखेर के एक पुल के ऊपर आग लगी। वो जो पैदल चलने वाले पुल होते हैं क्रॉसिंग के जो पुल होते हैं उसके ऊपर आग लगी। इसके हवाले से पहले आप लोग ये वीडियो देखें। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पुल के ऊपर एक शदीद किस्म की आग लग गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन PACDA यानी कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ डिफेंस MONUS की तरफ से ये बताया गया कि हमने इसके ऊपर काबू पा लिया, ना कोई जानी नुकसान हुआ ना कोई ज़ख्मी हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सल्तनत ऑफ ओमान की हफाजत फरमाए और इस तरह के तमाम अफाज से सल्तनत ऑफ ओमान को बचाए, आमीन इंशाल्लाह। तो ये इस वक्त की एक खास खबर थी, इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राव फजल अजीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।